लोकसभा चुनाव 2019 के लिए यूपी के शाहजहांपुर में आज गठबंधन के प्रत्याशी बीएसपी के अमरचंद जौहर ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सपा सरकार के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा उनके प्रस्तावक बने। फिलहाल बीएसपी प्रत्याशी चुनाव में अपनी भारी जीत का दावा कर रहे हैं। यहां के खरनीबाग रामलीला मैदान में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी समेत सपा के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद बीएसपी प्रत्याशी अमरचंद जौहर ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने में उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने खुद को जिताने की अपील की। साथ ही अपनी भारी जीत का दावा भी किया। इस दौरान सपा के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के झूठे जुमलों को जनता पहचान चुकी है और इस बार जनता गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजेगी। यहाँ की जनता इसलिए वोट कर रही है क्योंकि जो पिछले जो इसका रिकॉर्ड रहा है वो बेहतर नहीं रहा है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बढ़िया उसके तालमेल के साथ मिलाकर तालमेल करेंगे, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसानों का जो वाजिब जो फसल का दाम है उसको दिलाने का काम करेंगे। चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने? हमारे सामने कोई चुनौतियाँ नहीं है। किसी से अपनी टक्कर तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमारी कोई टक्कर में ही नहीं है। सुनिए भाई, मैदान साफ है। मोबाइल ठीक है।